सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक की मिलीभगत से आमजन परेशान हो रहे हैं। इन दिनों खुलेआम पैसा वसूली और पैसा लूटने का धंधा बना रखा है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। थाना सरे अंतर्गत ग्राम पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में आया है, जहां पर सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों का कारनामा सामने आया है। कई वर्षों से परेशान पीड़ित राम खिलावन रजक द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। बार बार जिला कलेक्टर के यहां सुनवाई में भी आवेदन दिया, साथ ही पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री को भी आवेदन दिया, लेकिन सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आखिर इस दबंग कर्मचारियों के ऊपर कब तक यूं ही ढीला रवैया अपनाती रहेगी सरकार? क्या जनता प्रत्यक्ष रूप से विधायक, सांसद, मंत्री यही कार्य के लिए चुनती है? सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। माननीय अनुराग चौधरी जी के पास हमने इनकी रिकॉर्डिंग सरपंच और सचिव की भी दी थी कि माननीय जी ये सुन लिया जाए। इन लोग कहते हैं हम स्वयं कलेक्टर हैं और हम लोगों से कलेक्टर भी घूस लेता है, आप कहाँ शिकायत करोगे, जहाँ भी जाना हो तो जाओ। इस तरह हमने रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग पर कोई अमल नहीं किया गया। ये बिल्डर बना के उनके खाते में पैसा लगाया गया है। माननीय तारावती साहू ग्राम पंचायत सरपंच निगरी निवास सरपंच जो हैं ये हैं, इनको बिल्डर बना के इनके खाते से पैसा निकलवाने की प्रयास की जा रही। इसी तरह पता नहीं कितने इस तरह बिल लगा के इन लोगों ने पैसा निकाले हैं। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, हम अत्यंत परेशान हैं और कई बार मजदूरी के लिए हमने प्रताड़ित हुआ। ये जो लोग हमारे कोप में काम नहीं किए हैं उनके नाम से मस्टर निकाल करके इन लोगों ने मजदूरी निकाली है, और जो कि सच्चाई जिन लोगों ने काम किया है उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई। इस तरह से हम प्रताड़ित हैं और हमको सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, इंजीनियर और जो सीओ साहब हैं, जिला सीओ साहब माननीय ऋतुराज जी के पास भी हमने कई बार शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई।